आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? लास्ट क्लास में अब तक जो आपने कंटेंट कर लिया है प्रॉपर अप्लाई मैथ की क्लासेस में स्टैंडर्ड वाले ऑलरेडी कंटेंट। सबसे पहले मैं एक बात कह देता हूँ, अभी तक जो आपने कंटेंट कर लिया है आपको पता है आपने आईडी कर लिया, सिलेबस में था आपने कर दिया। मैं कहता हूँ इसके लिए एनसीईआरटी इनफ है, आप इसमें 6.2 को कंसिडर करो एनसीईआरटी के लिए, और इसके अलावा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मेरा अनुमान है उसके अकॉर्डिंग अप्लाइड मैथ का पेपर बहुत ईजी आएगा इस बार भी। जो भी कोई नया सब्जेक्ट होता है उसका पेपर छोड़ के 2-3 साल बहुत इजी होता है, ठीक बहुत ज़्यादा इजी होता है। बस आपको बेसिक्स पे कंट्रोल रखना है। आपने स्लोप पढ़ ली है, इसके ऊपर कोई डाउट हो जरूर बता देना मुझे। टेंजेंट वगैरह पढ़ ली है, एक बेसिक ही आएगा, आपके पेपर में डाउट नहीं आएगा। इसके अलावा देखो, अब आपने देखा एब्सोल्यूट के केस को, एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्स एब्सोल्यूट मिन, ये आपने कल पढ़ा था एब्सोल्यूट मैक्स मिन। मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी थी, उस पीडीएफ में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसको सिंगल डेरिवेटिव से लिया जाता है। एब्सोल्यूट में हमारे पास इंटरवल होते थे, हमारे पास फंक्शन होता था, फंक्शन का एफ डैश करते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। क्रिटिकल पॉइंट मान लो सी और डी आ गया, दो यहाँ पे है दो यहाँ पे है, इन सबको बारी बारी से हम एफ एक्स में पुट करते थे। याद है एफ एक्स में कुछ और आ रहा है, एफ बी कुछ और आ रहा है, एफ सी कुछ और आ रहा है, एफ डी कुछ और आ रहा है। इन चारों में से जो मैक्सिमम होता था वो मैक्सिमम यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो मिनिमम होता था वो एब्सोल्यूट मिनिमम। ये कहानी आपने पढ़नी थी, इसके ऊपर आप क्वेश्चन करना, पीडीएफ में नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमने जो कंटेंट किया था वो था लोकल मैक्स और लोकल मिन। अप्लाइड वालों के सिलेबस का ही पार्ट है, इसी के ऊपर हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन करने की। तो इसमें आपने देखा कि आपको एफ एक्स या तो दिया हुआ होता था, गिवन होता था, और या तो बनाना पड़ता था या तो फॉर्म करना पड़ता था। आज मैं आपको बेसिकली जो क्लास दूंगा वो फॉर्म करने पे दूंगा, क्योंकि गिवन होगा तो आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। मान लो फंक्शन गिवन होता है, तो फंक्शन गिवन होता है तो आप करते क्या थे, आप करते थे उसका सिंगल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट के लिए जीरो पुट करते थे, एक्स की वैल्यू आती थी मान लिया ए आ गई। फिर आपको फीचर पता लगाना है कि ये कहाँ जा रहा है, मैक्स पे या मिन पे। मैक्स का मतलब नेगेटिव पार्ट डबल डेरिवेटिव, मिन का मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद उस क्रिटिकल पॉइंट को पुट करने के बाद अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मैक्स लोकल मैक्स, और पॉजिटिव आ रही है तो लोकल मिन, ये तो उसका फीचर था। फिर कितना मैक्स, उसके लिए आप वापस फंक्शन में जाते थे, उस फंक्शन में आप ए पुट करके पता लगा लेते थे कि क्या क्वांटिटी होगी मैक्सिमम, ये कहानी करते थे। यहाँ तक की कहानी क्लियर थी। आज मैं आपको 10th क्लास के फॉर्मूले बताऊंगा, 10th क्लास के वो फॉर्मूले जिस पर आप ये फंक्शन बना सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये सारी होते हैं। यहाँ तक का कंटेंट क्लियर है, कुछ पूछना हो जरूर बता देना आप मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
पहले बेसिक्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, वॉल्यूम्स के बारे में, वॉल्यूम मोड वगैरह क्या है। जो फंक्शन आपको बनाने है वो मैचुरेशन को बनानी है, ठीक है। यस कह सकते हो आप ज्योमेट्री, एक तरह का ज्योमेट्रिकल पार्ट होगा। इसमें सबसे पहले हम पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर पे कितने फॉर्मूले हैं। पहला पार्ट, पेरीमीटर का मतलब लेंथ भी होता है। कई लोग सर्कल की केस में सर्कमफेरेंस नहीं करते, सर्कमफेरेंस, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लेवल ज्यादा बेटर है। स्क्वायर आप जानते हो सबकी साइड बराबर होती है, तो अगर आप इन सब चीजों को ऐड करोगे, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, इसकी लंबाई की बात हो रही है, बॉर्डर लाइन की बात हो रही है, फेंस भी कहते हैं इसको, फेंस। तो ये सब मिलकर क्या हो जाएगा, 4 इनटू में साइड, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 4 इनटू साइड, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। पेरीमीटर में आ जाओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इनटू में एल प्लस का बी, दो बार लेंथ ऐड होगा, दो बार ब्रेथ ऐड होगा, टू कॉमन आ गया। इसके अलावा पेरीमीटर कह लो या सर्कमफेरेंस कह लो ऑफ सर्कल, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है सभी को पता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आधा घंटे में पाई आर, ये पेरीमीटर, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है पैरामीटर में, ये आपको मैंने पैरामीटर बता दिया। पैरामीटर के अलावा और क्या हो सकता है, पैरामीटर के अलावा एरिया होता है। सबसे पहले एरिया के बारे में बात करते हैं, एरिया में क्या क्या आ जाता है। एरिया सिंपल एरिया का नाम है एरिया ऑफ अ सर्कल, पता है आपको एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। इसके अलावा थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ये क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, बहुत कम है ये। इसके अलावा एरिया ऑफ ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। एरिया का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर वगैरह रहता है, पेरीमीटर का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर की पावर 1 मीटर की पावर 1 में रहता है, ये बेसिक सी बात है। इसके अलावा, इसके अलावा और भी डायग्राम्स हैं, एरिया ऑफ अ पेंडुलोग्राम, एरिया ऑफ अ पेंडुलोग्राम ये होता है बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट, ठीक है, बेस इंटू में हाइट। एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम ये होता है हाफ सम ऑफ पैडल साइड, सम ऑफ क्या, पैडल साइड इनटू एच इनटू हाइट। एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ पैडल साइड इनटू एच। मिड पॉइंट फॉर्मूले आपको पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूले क्या होते हैं, किसी का मिड पॉइंट निकालना, जैसे एक पेंडुलोग्राम में, पेंडुलोग्राम में मिड पॉइंट बराबर होता है, तो आपको पता है x1 निकालने का फॉर्मूला, मान लो ये पॉइंट मिड पॉइंट x y है, तो x निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा x1 / x2/2, और y निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा y1 / y2/2, मैं कोऑर्डिनेट दे रही हूं, वो छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा ट्रायंगल का भी केस बनता है, ट्रायंगल में अगर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा। इसके अलावा जो अगले वाले पे, अगर मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो उस केस में फॉर्मूला बन जाएगा √3/4 और साइड स्क्वायर, √3/4 और साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद और देखो, आगे अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, आइसोस्केल है, ये स्केलर है, इक्विलेटरल नहीं है, तो उस केस में आ जाओ क्योंकि 8 / 9। अगर मान लो ट्रायंगल में आपको साइड 1 दे रखी है, ए साइड 2 दे रखा है, कुछ और साइड 3 दे रखा है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा,
तब एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला होता है एस ठीक है रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ये फॉर्मूला होता है एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू। सेमी मतलब आधा ठीक है सेमी पेरीमीटर। तो इस तरह आप अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं भी है तो उसका भी एरिया निकाला जा सकता है ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा टेन। मान लो कहीं का डिस्टेंस निकालना है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ ए बी क्या होता है जल्दी से अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले आप लिखते हो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ स्पेशल फॉर्मूले पढ़ते हैं जैसे कि स्पेशल फॉर्मूलों में आ गया। सबसे पहले एक सिलेंडर ले लो कुछ भी ले लो सिलेंडर इसमें सबसे पहले कितने एरिया कर सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया को कह सकते हो कर्व सरफेस एरिया भी। ये होता है कर्व सरफेस एरिया मतलब होता है साइड वाला पार्ट ना तो इसमें ऊपर वाला सर्कल आएगा ना नीचे वाला सर्कल आएगा ना तो ये आएगा ना ये ऊपर का टॉप एंड बॉटम इग्नोर करोगे बिल्कुल साइड वाले पार्ट की बात होगी। इसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। ये हो जाएगा आपका टू पाई आर और एच। कैसे बना देगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है पाई आर। सर्कमफेरेंस ऊपर का सर्कल हो गया पाई आर तो इतना
इतना पार्ट तो बाउंड्री लाइन होगी, इतना मटेरियल तो हमारा लगा हुआ है और प्लस यहाँ पे भी इतना मटेरियल लगा हुआ है, तो पाई आर प्लस पाई आर कितना हो गया 2πr, और उसमें हाइट वाला मटेरियल लगा हुआ है, तो हाइट वाला फैक्टर भी हम उसके अंदर क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बना पाई आर प्लस पाई आर 2πr इंटू मैच क्या हो गया 2πr। इस तरीके से फॉर्मूला हो गया, थोड़ा डीपली समझना है फॉर्मूला को ताकि आपको एग्जाम में क्लियर हो जाए कि क्या करना है, अप्लाई कैसे करना है। तो लेटरल सरफेस तो हो गया 2πr, टोटल सरफेस एरिया देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया में हो जाएगा ये वाला पार्ट इंक्लूड, टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा ये वाला पार्ट इंक्लूड, यानी टॉप भी आ जाएगा और बॉटम भी आ जाएगा। तो उस केस में करोगे आप 2πr तो हो गई, मतलब साइड वाला पार्ट तो होगा और ऊपर का बाउंड्री लाइन सर्फेस होगा वो तो हो गई, यानी लेटरल सर्फेस एरिया तो होगा प्लस एरिया ऑफ ए सर्कल इंक्लूड हो जाएगा ऊपर भी नीचे भी। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है πr स्क्वायर जमा πr स्क्वायर क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर, आप चाहो तो इसको मॉडिफाई कर दो 2πr और क्या हो जाएगा h प्लस का ये हो जाएगा, ठीक है 2πr और h प्लस का ये हो जाएगा। अब आपको अगर बोला जाए इसका पहला केस तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा केस भी बता दिया, अगर तीसरे केस में ये बोला जाए आपको कि क्वेश्चन में टॉप जो है उसको वो ओपन है और बॉटम क्लोज है, ये आपका क्लोज है ठीक है, मेल्टेड मतलब यहाँ पे मटेरियल है और ये आपका ओपन है, तो क्या करोगे, तो आपने अगर फॉर्मूला ढंग से पढ़ा है तो एरिया ही बदल जाएगा, तब टोटल सरफेस एरिया में थोड़ा चेंज आएगा, चेंज ऐसे आएगा 2πr h मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया लगेगा और साथ में एरिया ऑफ ए सर्कल ऐड हो जाएगा नीचे वाला केवल, तब क्या ऐड होगा πr स्क्वायर, तब ऐड हो जाएगा πr स्क्वायर। तो यानी कि मैं तीनों तरह का डायग्राम बता दिया एरिया के ऊपर कि आपका लेटरल क्या होता है, टोटल क्या होता है, ऊपर का जो टॉप है वो ओपन हो तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और चौथा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है देखो वॉल्यूम के केस में हो गया इसमें स्पेस कितना है, बात स्पेस की हो रही है कि कितना स्पेस है, और वॉल्यूम का जो क्वांटिटी होता है वो क्यूब में होता है, यानी मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब इस तरीके से। वॉल्यूम हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ए सर्कल, जितना एरिया दिख रहे हो आप बाल बाल ये एरिया ये एरिया ये सारा सर्कुलेट हो रहा है और साथ में हाइट का एक फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ए सर्कल को किससे मल्टीप्लाई किया गया, एरिया ऑफ सर्कल को मल्टीप्लाई किया गया हाइट से, हाइट का फैक्टर, तो वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इनटू में एच, तो इसका मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो बन गया कितना पाई आर स्क्वायर और इनटू में एच, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आपको मैंने चार फॉर्मूले बताए थे, ये चार फॉर्मूले आपको याद करने सिलेंडर के ठीक है पाई आर स्क्वायर और एच। अब देखो इसके बाद, इसके बाद आता है कोण, कोण में आ जाओ, कोण का केस है सबसे पहले इसमें ये स्लैंट टाइप होता है, ये रेडियस हो गया और ये इसका वर्टिकल हाइट हो गया, एल का मतलब स्लैंट टाइप है और बाकी आर का मतलब रेडियस है और एल का मतलब स्लैंट टाइप है, एस का मतलब वर्टिकल हाइट है। एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, तो एल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यूजफुल होंगे एग्जाम में जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा वहां के। अब देखो यहां पे सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया सीखते हैं, इसका भी सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया, ये कह सकते हो कर्व सरफेस एरिया, आप मुझे बताओ साइड साइड में क्या दिख रहा है, स्लैंट हाइट का पार्ट और साथ में क्या दिख रहा है सर्कल, तो सर्कल तो हो जाएगा आपका पाई आर क्योंकि एक ही सर्कल है दो सर्कल नहीं है, और साथ में स्लैंट हाइट का रोल प्ले हो रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा एल, तो इसलिए सर्कल का सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होगा पाई आर। इसके बाद सेकंड पार्ट में आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का डायग्राम ये हो जाएगा, मतलब नीचे वाला सर्कल भी ऐड हो जाएगा इस तरीके से, तो साथ में कर्व सरफेस एरिया तो आया ही आएगा पाई आर तो आया ही आएगा क्योंकि वो तो इंक्लूड है, और साथ में एरिया ऑफ ए सर्कल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर वो ऐड हो जाएगा इसमें,
आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो कॉमन लेने के बाद एल प्लस का क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो गया। अब उनका भी काम हो गया, फर्स्ट टाइम आपने सिलेबस में नहीं है। अब आप इसमें आगे देख सकते हो, आगे आपको मेन भी और भी सिलेबस में डायग्राम दे सकते हैं। सर्कल तो है, स्क्वेयर हो गया, स्क्वेयर पे रेडियस का ही यूज है, रेडियस होता है बस। तो इसका जो वॉल्यूम है, अच्छा इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, उसका ये 1/3 हिस्सा होता है, इसलिए इसको 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसके अलावा इसका लेटरल सरफेस एरिया वो हो जाएगा 4πr², टोटल सरफेस एरिया वो हो जाएगा 6πr², ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, स्फीयर हो ही गया, सिलेंडर हो ही गया, सर्कल मैंने आपको बता ही दिया था, और बाकी तो इसके अंदर फर्स्ट टाइम है ही नहीं। और कोई डायग्राम बची हो तो बता दो, इसके अलावा कोई डायग्राम बचाओ तो मेरे हिसाब से रोम्बस, रोम्बस भी देखो, रोम्बस अच्छा है, रोम्बस के बारे में सुना होगा आपने, रोम्बस यहाँ देख लेता हूँ, रोम्बस, रोम्बस बाई चांस पेपर में आ गए, इसलिए उसका पार्ट नहीं है, मैंने देखा नहीं, पेपर में आते होगा इसके ऊपर। रोम्बस के दो डायगोनल होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, डायगोनल 1 इज नॉट इक्वल टू डायगोनल 2, ठीक है, सारी साइड आपस में बराबर होती है। इसका एरिया निकालना हो रोम्बस का तो होता है 1/2 × 1 × 2, डायगोनल 1 इनटू में डायगोनल 2 ही होता है फॉर्मूला, ठीक है। इतनी सारी बातें मैंने आपको लिखवा दी है, बाकी इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको लिखकर बताऊंगा, आप कराओ, आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें, कोई नया डायग्राम आएगा देख लेंगे उसके ऊपर। फॉर्मूले उतारने के बाद एक पेज छोड़ देना, कोई नया फॉर्मूला आएगा तो हम उसको जरूर देखेंगे, ठीक है, ऐड कर लेंगे उसमें, इसलिए एक पेज छोड़ देना इसके बाद। ओके, देखो मैंने आपको बताया था आपको एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या इग्नोर करना है, वो देखो 6.5 ना, 6.5 में मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, ठीक है। एक बताया था 6.5 ए मान लो, एक को 6.5 बी मान लो, ये हो गया एक से लेके कितना क्वेश्चन 12 तक, और ये वाले क्वेश्चन हो गए 13 से लेके 29 तक, जो भी 28-29 जहाँ तक। अब आपको इसमें इग्नोर क्या क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ, जो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, बाकी इस चैप्टर में बेसिकली एनसीईआरटी फॉलो करोगे और इसके अलावा कुछ नोट करना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो कॉपी पेस्ट है, इसलिए कुछ वो नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले बताया था आपका सिलेबस क्या है, उतनी तैयारी करना बस, पेपर बहुत ईजी आएगा आपका, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। फर्स्ट टर्म भी पता लग जाएगा आपको, ठीक है, पेपर बहुत ईजी आने वाला है इसका। देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सिलेबस में आपके,
सबसे पहले 1 से 12 क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, जो जो क्वेश्चन करने हैं और जो जो क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये दोनों आप लिख लो। पहला क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो कट है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, ये आपको नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो बचा हुआ पार्ट सुनना क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 करना है पूरा, ठीक है, जो जो नहीं करना है वो मैंने लिखवा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 कट पार्ट में लिखवा दिया, तो 5 में नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना है, ऑप्शन नंबर ओके से, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 9 भी नहीं करना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपको नहीं करना, ठीक है, करना है 11 आपको, 11 करोगे आंसर देखना, क्वेश्चन नंबर 12 ये आपको नहीं करना, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ, यानी आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 9, 3 और 5 के अंदर जो जो पार्ट नहीं करना है वो मैंने यहाँ लिखवा दिया है, ये पार्ट आपको नहीं करना है और ये करना है। अब 13 से 29 तक आपको सब कुछ करना है, ठीक है, 13 से 29 तक आपको सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, जो एक बात प्रूव करने वाला साइन इनवर्स होगा वो हटवा दूंगा, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें करनी है, बस जहाँ जहाँ पे प्रूफ गाइड में साइन इनवर्स लिखा हुआ है या टेन इनवर्स लिखा हुआ है, केवल वो प्रूफिंग आपको नहीं करनी है, बाकी सब कुछ आपको करना है, इस तरह की प्रूफिंग आपको नहीं करनी है, बाकी सब कुछ आपको करना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे, कल वाली क्लास में मैंने कहां तक बता दिया था आपको, ठीक है, बेसिकली हम आज क्वेश्चन नंबर 13 से लेके स्टार्ट होंगे, मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर 13, 14 एक अंदाजा दे दिया था, क्वेश्चन नंबर 18 तक बता दिया था मैंने आपको, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आपने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, ये हम कर लेते क्वेश्चन नंबर 19 जो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 एक बार बुक वर्क है तो खोल लो, बाकी मैं समझा भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आपको डायग्राम तैयार करना है, डायग्राम तैयार होने के बाद फंक्शन बनाना है, और फंक्शन बनाने के बाद आपको फिर वही काम करना है जो लोकल मैक्स के लिए करते हो। क्वेश्चन में बोला हुआ है, ध्यान से सुनना, बोल रहा है शो दैट, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन कह रहा है शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इनस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। मैं आपको कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, इस चैप्टर में ना जब लोकल मैक्स का केस आएगा तो जहां फिक्स बोले या जो बात गिवन दे रखी हो इन सबको कांस्टेंट ट्रीट कर लेना, थोड़ा ध्यान दे बात पे, फिक्स बोले गिवन बोले इस तरह के वर्ड बोलने पे आप इनको क्या मान लोगे कांस्टेंट, क्योंकि जो बात उसने बोल दी वो चेंज तो हो नहीं सकती, तो जिसकी वैल्यू पर्टिकुलरली उसने बोल दी वो थोड़ी चेंज होगा, तो वो तो फिक्स रहेगा, तो इसका मतलब बाकी चीजें वैल्यूएबल होंगी, तो ऐसी बात है अगर वो बोल दे तो ये फिक्स हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो आपको सबसे पहले डायग्राम तैयार करना है, डायग्राम की हेल्प से देखना है क्या चीज गिवन है क्या चीज नहीं है, जो चीज के लिए प्रूफ करने को बोला जाए वॉल्यूम हो चाहे एरिया हो कुछ भी है उसको मैक्सिमम करने के लिए बोला जाए तो मैक्सिमम, मिनिमम करने के लिए बोला जाए तो मिनिमम, करने के लिए आपको फंक्शन तैयार करना है, फंक्शन की खास बात होनी चाहिए वो वन वेरिएबल में होनी चाहिए तब जाके बात बनेगी। इन प्रिकॉशंस को समझने के लिए आपको 2-4 क्वेश्चन आप देखने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखो, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इनस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। आप अपने बुक में फिक्स को अंडरलाइन कर लो, ठीक है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इनस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, मतलब ये हुआ कि एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है, यानी कि सभी तरह के रेक्टेंगल, आपको पता है सभी तरह के रेक्टेंगल स्क्वायर में होते हैं, ठीक है, यानी कि स्क्वायर में तो होता है सारे साइड बराबर, लेकिन अगर रेक्टेंगल की भी सारे साइड बराबर आ जाए तो ऑटोमेटिक आमने सामने की साइड तो बराबर हो गई ना, तो
तो इसका मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर बन सकता है, लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल कभी नहीं बन सकता, ये बात है। तो इसका मतलब वो बोल रहा है सभी रेक्टेंगल अगर सर्कल में फिक्स हो जाते हैं सभी तरह के रेक्टेंगल, तो वो आगे जाके स्क्वायर भी बनते हैं, ये बात प्रूफ करनी है। तो क्या प्रूफ करना है वो यहाँ लिख देता हूँ, आपको ये प्रूफ करना है कि फर्दर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, एक तो ये प्रूफ करना है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, अभी ये रेक्टेंगल है और फिक्स है किसमें सर्कल में, आपको प्रूफ करना है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, चलो एक बात होगी। इसके अलावा आपको ये भी प्रूफ करना है कि उसने बोला है मैक्सिमम एरिया, दूसरी प्रूफिंग क्या करनी है आपको एरिया को मैक्सिमम दिखाना है, रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। लगाओगे वही फॉर्मूला जो फॉर्मूले का डायग्राम स्टार्टिंग में दे रखा हो, स्टार्टिंग में उसने रेक्टेंगल बोला है तो रेक्टेंगल का ही एरिया लगाओगे, स्क्वायर को तो प्रूफ करना है तो स्क्वायर को प्रूफ करना है स्टार्टिंग में, आपको कैसे पता है स्क्वायर हो गए, तो एरिया मैक्सिमाइज करना है, ये बात ध्यान रखनी। दो टारगेट पता लग गया आपको, ठीक है। सबसे पहला काम आपका होगा किसी भी क्वेश्चन में रिलेशन को तैयार करना, सबसे पहला काम क्या होगा आपका रिलेशन को तैयार करना। रिलेशन का मतलब होता है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ऐसा तैयार करो कि वाई की वैल्यू निकाली जा सके इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स, ताकि हमारा पूरा फंक्शन लास्ट में जाके वन वेरिएबल में आ जाए ना कि टू वेरिएबल में, तभी डेरिवेटिव होगा। तो आपको मैंने आपका पहला स्टेप बताया, पहला स्टेप क्या है भाई, पहला स्टेप है रिलेशन को बनाना, एक्स और वाई के रिलेशन को बनाना। ये कैसे बनेगा, ज्यादातर क्या होता है क्वेश्चन में डाटा गिवन होता है, जैसे कल आपने देखा एक्स प्लस वाई का सम 24 आ रहा था, इस तरह की बातें हो रही थी। तो ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है डाटा होता है गिवन, फिर भी मान के चलता हूँ कि डाटा अगर गिवन नहीं है तो उस केस में आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। अगर रिलेशन बनाना है तो अगर मान लो डाटा गिवन नहीं है तो उस केस में क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम को क्या करोगे यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे करूँगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन प्रूफ करना है हमें, क्वेश्चन प्रूफ करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लिखो वी हैव अ सर्कल, वी हैव अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, वी हैव अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, फिक्स कॉन्टर लाइन कर देना, गिवन कॉन्टर लाइन कर देना, सर्कल कॉन्टर लाइन, सर्कल जब भी लिखो तो लिख देना सेंटर और रेडियस साथ में। इसका मतलब सर्कल फिक्स है तो उसका सेंटर भी होगा और ऑब्वियस सी बात है कि उसका रेडियस भी होगा, आप रेडियस को आर मान लेना जो कि आप मान चुके हो, ठीक है, ये आपका सेंटर का पार्ट है यहाँ पे, बस बहुत बढ़िया। लेंथ को आप अगर मान लो कुछ लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स यूनिट, कुछ यूनिट नहीं दिया हुआ इसलिए, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो गया वाई यूनिट, ये हो गया, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ मान लिया, यहाँ पे लिख लो एक्स और यहाँ पे क्या लिख लोगे वाई, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने आपको कुछ बताया था, अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको थोड़ी बहुत धीरे छोड़नी है, क्या बोला मैंने, अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि रिलेशन एक्स और वाई के बीच में कैसे बनता है, तो इसलिए आपको थोड़ी धीरे छोड़नी है, आप टू द पॉइंट चलो। आप मुझे जरा बताओगे क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है आपको एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो आप सीधा इधर आ जाओ, एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो आप लिख दोगे ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, हमेशा जब तक एक्सपीरियंस ना आ जाए ऐसे क्वेश्चन में शुरू में थोड़ी जगह छोड़ दो, बाद में मत करो इसमें, पूरे टारगेट आओ। ए फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, दैट इज एक्स इंटू में वाई, आप चाहो तो इस बात को ऐसे लिख सकते हो एरिया आपका किस वेरिएबल में एक्स इंटू में वाई, तो आप लिख दो एक्स इंटू में वाई। आपको पता है मैं डेरिवेटिव नहीं कर सकता, अभी डेरिवेटिव इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि दो वेरिएबल में मुझे किस में चाहिए, एक वेरिएबल में, या तो आप एक्स में आ जाओ अपने एरिया को लेकर, या तो वाई में। मैंने आपको बताया था कि मुझे रिलेशन कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए, ठीक है, रिलेशन कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, अगर डाटा नहीं दिया हुआ है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी, यहाँ क्या लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में आप देखो 90 है, ठीक है, एंगल एबीसी 90 है, तो एंगल एबीसी 90 है तो ऑब्वियस सी बात है पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, उसके सामने एसी अपोजिट हो जाएगा। आप लिखो कि देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है एसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एबी का स्क्वायर जमा बीसी का स्क्वायर। AC की वैल्यू बता सकते हैं कोई, आप ऐसे सेंटर को मान लो
एस ए ओ प्लस ओ सी कितना हो जाएगा, आर प्लस आर टू आर, टू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर आर स्क्वायर, डेट कर दिया मैंने, ए बी का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर और अगला वाला क्या हो गया प्लस वाई स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ से अपना डाटा निकाल सकते हो वाई स्क्वायर के वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो वाई है, वाई स्क्वायर कैसे निकालो, तो चलो ठीक है देखते हैं। आप फिलहाल तो वाई स्क्वायर निकाल लो कोई बात नहीं, ये वाई निकालने का मैंने तो वाई निकाल लो, आपको लग रहा है रूट में आ जाएगा तो रूट में आने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उससे बचा लूंगा आपको। तो यहाँ देखो पहले वाई की वैल्यू आ गई, आप वाई की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर सकते हो, क्या करोगे रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बात को और ध्यान दो, आपका एरिया अब एक्स वेरिएबल में, इसको आप ए एक्स लिख दोगे जैसे पी एक्स लिखते हो। एक बात का ध्यान रखना, रेडियस आपका कॉन्स्टेंट है, क्यों कॉन्स्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो भी बातें गिवन होंगी, जो भी बातें गिवन होंगी वो क्या होगा आपका कॉन्स्टेंट। सर्कल फिक्स है, सर्कल फिक्स है तो सर्कल का हर एक कंटेंट फिक्स होगा, कॉन्स्टेंट होगा, इसका मतलब रेडियस भी कॉन्स्टेंट होगा, इसका मतलब डायमीटर भी कॉन्स्टेंट होगा। तो रेडियस तो चलो फिक्स है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैंने आपको बोला था डेरिवेटिव तब तक नहीं करना है जब तक डेरिवेटिव इजी ना हो जाए, ये अभी टफ है, मैं प्रोडक्ट लगाना चाहता नहीं हूँ। तो इस चैप्टर में ना एक अच्छा सा काम कर सकते हो आप, जब भी आपको रूट दिखे, जब भी आपको स्क्वायर रूट दिखे, आप उस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो, क्या कर सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के आंसर में किसी प्रकार का भी। तो ये हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर, आपको आर जैसे मतलब होना चाहिए, जैसे नहीं इसको आप लेट कर लोगे कुछ भी, जेड लेट कर लेना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा फोर आर स्क्वायर माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, इसको आप कुछ लेट कर लो, आपको एलएचएस की तरफ नहीं जाना, आपका टारगेट एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो इसके कंटेंट यहाँ पे है ना कि यहाँ पे, इसको कुछ मान लो, क्या मान लिया आपने जेड, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो फोर एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस एक्स की पावर में हो जाएगी फोर। मैंने आपको बताया डेरिवेटिव आपको तब तक नहीं करना है जब तक डेरिवेटिव इजी ना हो जाए, तो अब आप यहाँ से डेरिवेटिव कर सकते हो, आर आपका कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल आपका आ चुका है, या आप इसको लिख लो जेड एक्स, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना एक्स, जेड एक्स हो जाएगा जेड डैश एक्स, जैसे एफ डैश एक्स हो जाता है, फोर कॉन्स्टेंट रेडियस मतलब आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का आपको डेरिवेटिव पता है पावर, पावर में से एक लग जाएगी टू एक्स, ये हो जाएगा आपको फोर एक्स का वैल्यू, ये बात समझ आ गई होगी आपको। इसके बाद आप मुझे बताओ फोर टू जो कितना हो जाएगा एट एक्स और साथ में आर स्क्वायर माइनस फोर एक्स का वैल्यू। अब आपको मैंने कुछ बताया था डेरिवेटिव करते टाइम पे तब तक ले जाना है डेरिवेटिव को जब तक उसके फैक्टर ना हो जाए, फैक्टर कैसे करोगे यहाँ पे देखो कॉमन ले लो सीधा कॉमन लो, यहाँ पे फोर कॉमन आ जाएगा ठीक है, इसके अलावा आराम से एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा आपका टू आर स्क्वायर और यहाँ क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा। तो दो फैक्टर आ गए आपके, दो फैक्टर आने के बाद अगला स्टेप बताओ क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हो, जल्दी से क्रिटिकल पॉइंट के लिए जीरो रूट कर देते हो, तो लिखोगे फोर क्रिटिकल पॉइंट, फोर क्रिटिकल पॉइंट क्या करोगे जेड डैश एक्स को जीरो रूट कर दोगे, कर दो। आपको नहीं लगता पहला फैक्टर फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो, आपको पता है अगर लेंथ ही जीरो हो गया तो फिर डायग्राम क्या बना, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इसको कर दोगे रिजेक्ट ठीक है, लिखोगे लेंथ कांट भी जीरो एज वेल एज ब्रेथ कांट भी जीरो ठीक है। आगे चलते हैं, ये साइड दिख रहा है बफरिंग हो रही है, कोई बफरिंग हो रही है, आवाज आ गया तो अभी रही थी, चलो दो यहाँ पे कोई बात नहीं, x की वैल्यू तो आ गई जीरो, x की वैल्यू जीरो क्यों आई, क्योंकि आप जानते हो लेंथ किसी भी डायग्राम का जीरो नहीं हो सकता, वो जीरो आ गया। अगला आज फैक्टर करते हैं, अगला है टू आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, टू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आप सॉल्व कर लेना वैल्यू आ जाएगी रूट टू आर, प्लस माइनस में कभी लिखा पता आपको, क्योंकि लंबाई जो है किसी की लंबाई चौड़ाई लेंथ है आपको नेगेटिव में कभी नहीं मिलेगी, इसलिए तो मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया, नो डाउट एक्स का स्क्वायर है तो दो फैक्टर होने चाहिए थे, मगर यहाँ पर मैंने एक ही फैक्टर कंसिडर किया है क्योंकि यहाँ पर लेंथ है कैन नॉट बी नेगेटिव, चाहो तो इस रीजन को यहाँ पर लिख सकते हो ठीक है। तो इसका मतलब लेंथ तो आ गया, अब अगर ब्रेथ भी यही आ गया, मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ एक्स की वैल्यू को जिससे वाई मिलेगा, अगर y भी सेम आ गया तो फिर ये बात प्रूफ हो जाएगी कि ABCD क्या है स्क्वायर है, देखते हैं। तो मैं पुट करने जा रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू, बल्कि डायरेक्ट पुट करता हूं आप पुट कर लेना,
put in first. जैसे ही put करोगे ना while में आपका definitely by experience root 2 आ जाएगा, ठीक है? तो while root 2 आने से क्या हो गया, since बोलोगे x equal to y, length equal to breadth, therefore ABCD is also a square. ABCD is a square. एक बात तो हुई proof. अभी बात खत्म नहीं हुई है. आपको क्या proof करना है? Area को maximize करना है. किसी को पता है एरिया को मैक्सिमाइज करने का फीचर क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है? एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव का मूव करते हैं. तो मैं इसका अगला वाला पार्ट यहां कर देता हूं साइड में, ठीक है? नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट यहां कर देता हूं, ठीक है? फॉर मैक्सिमाइज एरिया अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. चलो करते हैं. पहला डेरिवेटिव आप सबको पता होगा, यहां पे दिख रहा होगा आपको, बल्कि इसको लो ज्यादा अच्छा जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट लगाना पड़ जाएगा इस वाले को. z सिंगल डैश x क्या हो जाएगा, डबल डैश x. यहां पे हो जाएगा आपका 8r स्क्वायर बाहर. और पहला क्वेश्चन बहुत स्लो समझना है आपको, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन कार्ड्स लिए, उसके बाद तो इसकी स्पीड प्रॉब्लम को दिखूंगी. ये हो जाएगा 4x की क्यूब का 4312x स्क्वायर, ठीक है? तो यहां से आ जाओ. अब आप इसमें क्या करोगे, आपको मैंने बोला था क्रिटिकल पॉइंट जो भी आपने निकाला है उसे पुट करोगे. x की वैल्यू आपने निकाली है √2 r, पुट करो जल्दी से. x की वैल्यू √2 r पुट करो, r √2 से बाहर. 8 r स्क्वायर अपनी जगह ठीक ही है, 12 x स्क्वायर का हो जाएगा 2 r स्क्वायर, तो ये रूट का बन जाएगा 24. 8 में 24 गया तो माइनस 16 r स्क्वायर. देख लिया आपने नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इस केस को क्या कहेंगे, लोकल मैक्स. लोकल मैक्स किस पे भाई, x at x equal to root 2 into में r unit. तो इसका मतलब आप लैंग्वेज में लिखोगे हेंस देयरफॉर एरिया इज मैक्स. एरिया मैक्स हो गया या लोकल मैक्स कह सकते हो, एट किस पे, x equal to root 2 r, एंड ABCD इज स्क्वायर आल्सो. ABCD स्क्वायर भी है, q स्क्वायर है, क्योंकि x इक्वल टू कितना है y, वो मैंने आपको दिखा दिया root 2 r लगा हुआ. चलो क्वेश्चन में तो इतना पूछा था, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं. क्वेश्चन ये जानने में इंटरेस्टेड है कि हाउ मच इज द मैक्सिमम एरिया. ये मेरी तरफ से ऐड कर लो, ये वाला इसमें ऐड कर लो मेरी तरफ से. हाउ मच इज द मैक्सिमम एरिया, कोई बताएगा कहां पर पुट करेंगे वैल्यू को? हाउ मच मैक्सिमम एरिया, कितना मैक्सिमम? आप मैक्सिमम बोल तो रहे हो, एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, कितना मैक्सिमम? इसका आंसर कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा आपको समझ में? मैं x की वैल्यू को कहां पुट करूं जिससे मुझे मैक्सिमम एरिया मिल जाए, मतलब ये बताओ, समझ जाऊंगा आपको कैसे समझ में, ठीक है? आप मुझे बताओ, अगर मुझे मैक्सिमम एरिया निकालना है तो मैं कहां पुट करूंगा इस वैल्यू को, बताओ? मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए मुझे x क्रिटिकल पॉइंट को किस जगह पुट करना चाहिए, सोचो. बताया था कल मैंने आप लोगों को, है कोई आइडिया? मैं एंड दूं डबल डेरिवेटिव में या सिंगल डेरिवेटिव में या fx में, बताओ तीनों में से कहां पुट करूं? हाँ सक्षम, सही बताया आपने, फंक्शन में पुट कर देंगे, क्योंकि क्वांटिटी पता करने के लिए फंक्शन में पुट किया जाता है, ठीक है? तो ये सही आपका आंसर दे एफ एक्स. तो एरिया जो फंक्शन आपने बनाया था वो था क्या? वो था एल इंटू में बी, एक्स इंटू में वाई. तो कितना होगा देखते हैं, एक्स की वैल्यू आपको पता है रूट टू आर है, और वाई की वैल्यू कितनी है रूट टू आर, दैट इज रूट टू आर का स्क्वायर. तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा 2r स्क्वायर, ठीक है? ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट इनटू यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स. मैंने इस क्वेश्चन के अंदर सारी बातें बता दी आपको, एक बार रिपीट करता हूँ. जो भी चीजें फिक्स गिवन हो वो कॉन्स्टेंट मानी जाएगी डायग्राम के अंदर. अगर सिलेंडर गिवन होगा तो उसका हाइट वाइट सब जितनी भी चीजें वो कॉन्स्टेंट मानी जाएगी. हाँ, अगर स्पेशली बोल दें कि हाइट कॉन्स्टेंट है तब बात अलग है, तो बाकी चीजें वैल्यू बोलूंगी, तो वो तो आपके सामने आएगा.
फिक्स था यहाँ पे सर्कल, तो उसका रेडियस फिक्स। चलो बहुत बढ़िया, आपको एबीसीडी का स्क्वायर रूट पढ़ना था वो तो बात की बात है। सारे रेक्टेंगल को क्या रहना था गारंटी में कि वो मैक्सिमाइज एरिया देंगे, तो रेक्टेंगल वेरिएबल हुए, ठीक है। तो रेक्टेंगल वेरिएबल हुए तो उसके एरिया को यार प्रोड्यूस किया, मैंने ये जगह छोड़ दी थी हमेशा आपको छोड़नी है जगह जब तक रेफरेंस ना आ जाए। तो एक्स इंटू वाई आने के बाद एक वेरिएबल में आने के लिए क्या करोगे, रिलेशन तैयार करोगे। रिलेशन क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस ज्यादा जाएगा, कुछ डाटा ना दे रहा हो तो पाइथागोरस काम करते हैं, डाटा दे रहा हो तो बहुत बढ़िया बात है। ये मैं आपको एक दो क्वेश्चन के बाद और बताऊंगा कि डाटा कैसे आता है और कैसे बनाते हैं रिलेशन। मेन बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ होती है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ सब आसान हो जाता है, यहाँ से सब कुछ ईजी होता है उनके लिए, ये सब कुछ ईजी हो जाता है। सारी प्रॉब्लम यहाँ होती है उनको कि ये डाटा कैसे बनेगा, कैसे रिलेशन बनेगा। एक बार फंक्शन बन जाता है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको। तो ये है, फिर आगे बताता हूँ आपको। सही बताया आपने लक्ष्य, ये बिल्कुल वही एफएक्स क्वांटिटी हमेशा एफएक्स में पुट की जाती है। ठीक है सर, सेम कॉपी कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको एक दो क्वेश्चन के बाद बहुत सारे मिल जाएगा, सामने आ जाएगा इसी है। जब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपको ठीक है आपके पास तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। मैंने आपको कहा था कि डायग्राम बनाना है,
इसने बोला है भाई दिखाओ कि राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर का मतलब परपेंडिकुलर, और सिलेंडर, सिलेंडर के पास क्या होता है, उसके पास रेडियस होता है, ठीक है। चलो ये तो कर दिया, हाइट होता है उसके पास, हाइट लिख दिया। सो दैट शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर। आगे उसने बोला है गिवन सरफेस एरिया, ठीक है, क्या चीज है गिवन सरफेस। इसमें साफ साफ क्लियरली बोल रहे हैं कि सरफेस हम आपको दे रहे हैं, गिवन में सरफेस एरिया है, कुछ ना बोले तो टोटल मान के चलते हैं, क्योंकि जब लेटरल की बात करेगा तो स्पेशली लिख के देगा, कुछ नहीं बोला तो टोटल है, कुछ नहीं बोला तो ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं आपसे, तो इसका मतलब डायग्राम तो क्लोज है, डायग्राम क्लोज कर दो, ठीक है। गिवन सरफेस एरिया है यानी सरफेस एरिया आपका कॉन्स्टेंट है। चलो आगे देखते हैं, सरफेस एरिया कॉन्स्टेंट है और बोल रहा है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करो, और वॉल्यूम को क्या करना है मैक्सिमाइज, ये हमारा टारगेट है, ये प्रूफ करना है वॉल्यूम को मैक्स करना है, ठीक है, टारगेट है। आगे कुछ और बोला है, आगे बोला है सच दैट इस तरीके से मैक्सिमाइज करो कि प्रूफ करते हैं टाइम पे हाइट जो है ना वो आ जाए इक्वल टू डायमीटर, ये प्रूफ करना है आपको, हाइट इक्वल टू डायमीटर करना है। काफी है इतना इंफॉर्मेशन, स्लो हो जाते हैं। चलो सबसे पहले आप देखोगे सॉल्यूशन में या प्रूफ में, ऐसे में उसमें डाटा होता है लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज आर एंड एच रिस्पेक्टिवली, ये बात आप लिख लोगे इसमें निकाल। आगे आपको थोड़ी जगह छोड़नी है, ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़नी है आपको आगे, वैसे लिख रहा हूँ तो लिख लो, जो गिवन दे रखा है डाटा मैंने आपको बताया था, रिलेशन बनाने के लिए जो डाटा दिया होता है वो डाटा आप देख सकते हो, नहीं दिया हुआ तो पाइथागोरस तो देखेंगे, फिलहाल दिया हुआ है गिवन सरफेस दिया हुआ है, तो आप लिखोगे एस फोर, क्लियरली लिखोगे एस फोर, इट इज गिवन दैट, क्या लिखोगे इट इज गिवन दैट, वैसे बाद में लिखते चलो कोई बात नहीं, इट इज गिवन दैट एस फोर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई आर एच प्लस कितना पाई आर स्क्वायर, बताया था आप लोगों में 2 पाई आर एच, हमेशा ऐसे लिखोगे इसे कॉमन फॉर्म में नहीं लिखोगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे, इससे दिक्कत हो सकती है आपको। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लिया हमने गिवन था टोटल सरफेस एरिया, वो हमने लिख लिया, चलो आगे बाद में बात करेंगे, थोड़ी जगह छोड़ देंगे यहाँ पे। अब आप मुझे ये बताओ प्रूफ करना है वॉल्यूम को मैक्सिमम, टू द पॉइंट आते हैं, वी फोर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, आप चाहो तो एक्स वाई में मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी में, ठीक है, चलो किसी को मानना है चाहिए तो मान सकते हैं, ऐसे ही ठीक है। आपको पता है ये वॉल्यूम जो है ना आपका, ये आपका दो वेरिएबल में है, एक तो आर में और एक एच में है, और मुझे ऐसे फंक्शन पसंद नहीं है जो टू वेरिएबल में हो, आप चाहो तो इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, मैंने एक्स वाई माना नहीं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी तो टाइम बढ़ाऊंगा में, तो आप मुझे बताओ आपका दो वेरिएबल में आना वॉल्यूम, लेकिन आपका एक वेरिएबल में चाहिए, उसके लिए मैंने आपको बताया था एक वेरिएबल में आने के लिए डाटा दिया हुआ होगा, डाटा दिया हुआ है, एस आपका सर्फेस एरिया है, इसे कॉन्स्टेंट माना जाएगा, सर्फेस एरिया को गिवन कहा गया है तो इसे क्या कहा जाएगा कॉन्स्टेंट, तो कैपिटल एस को आपको कॉन्स्टेंट हुआ, चलो आर वेरिएबल है एच वेरिएबल है, तो एस को आपको कॉन्स्टेंट है, पाई आर स्क्वायर को इधर लिया होगा हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ से हाइट की वैल्यू आराम से मिल रही है, जो आसानी से मिल जाए वो कर रहे हैं, हाइट आपको मिल रही है, ठीक है, हाइट आपको मिल चुकी है। आप इसके बाद अगर हाइट की वैल्यू वहाँ पुट कर दो, टोटल पूरा क्वेश्चन आर में आ चुका है आपका, हाइट की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो इससे आपका पूरा क्वेश्चन आर के टर्म में हो जाएगा, वी आर पाई आर स्क्वायर और हाइट की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, क्या पुट कर रहा हूँ, एस माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में कितना 2 पाई, ठीक है, ये था पाई आर स्क्वायर था, सॉरी एक मिनट, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और क्या होगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव तब तक नहीं करने जब तक डेरिवेटिव इजी ना हो जाए, तो यहाँ पे आ जाओ, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा और ठीक करो, अच्छे से ठीक करो इसको,
ये 2 डिवाइड हो रहा है, बाहर आ जाएगा। इस r को अंदर फिट कर दो, r into s क्या हो जाएगा, s r, s कांस्टेंट है, r into 2 pi r square हो जाएगा 2 pi r का क्यूब। क्लियर है यहां तक? 2 pi r का क्यूब, ठीक है, यही तक कंट्रोल करना है क्वेश्चन को, उसके बाद क्या होगा। क्लियर है आपका? आपको सबसे पहले क्या किया, रिलेशन देखा, रिलेशन में कन्वर्ट कर लिया, सरफेस एरिया बताया था सेंटर का 2 pi r + 2 pi r square, pi r square जो pi r square ये, ठीक है, चलो ये कन्वर्ट कर लिया। क्या आपका पूरा फंक्शन रेडियस में आ चुका है? क्योंकि s तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो गिवन में, तो पूरा क्वेश्चन r में आ गया। तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट, यही तक दिक्कत होती है लोगों को, बस इसके आगे नहीं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, अगर आपने x माना होता रेडियस को तो s में हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो जाएगा v डैश r इक्वल टू हाफ कांस्टेंट है बाहर, कैपिटल s कांस्टेंट है बाहर, r का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 पाई बाहर, r का r क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर, 3 2 जा 6 पाई r स्क्वायर ये हो जाएगा। इसके बाद आपको बताया है मैंने, थोड़ी जगह छोड़ के ना डबल डेरिवेटिव भी करे दो, ठीक है, v डबल डैश r कर दो, बाद में देखते हैं उसको। हाफ बाहर आ जाएगा, s कांस्टेंट है 0, ये हो जाएगा 6 2 जा 12 पाई r, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 6 पाई r। अब जैसे मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी मैं समझ जाऊँ आपका कि आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, बस साफ साफ दिख रहा है आपको कि आंसर नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि r की वैल्यू कुछ भी होगी, बाहर तो माइनस का साइन लगा है, लोकल मैक्स तो ये हो चुका है, फिर भी r की वैल्यू निकाल लो क्रिटिकल पॉइंट पे। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो पुट कर देंगे, जीरो पुट करने से हाफ यहाँ जाके जीरो बन जाएगा, तो s माइनस का 6 पाई r स्क्वायर हो गया, ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ, तो s माइनस का 6 पाई r स्क्वायर इक्वल टू s इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर हो गया। r की वैल्यू हो जाएगी रूट 6 s अपॉन में 6 पाई, आगे r की वैल्यू, r की वैल्यू यहां रखो, ठीक है, r की वैल्यू रख देते हैं माइनस 6 पाई, r की वैल्यू रूट s अपॉन में 6 पाई। थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता था ये, लेकिन करना नहीं है, क्या लोगे करके, नेगेटिव तो आ ही गया, डेड इक्वल नेगेटिव लेस देन 0, क्या हो जाएगा लोकल मैक्स एट r इक्वल टू रूट s अपॉन में 6 पाई, ठीक है, ये कर दिया हमने। तो यहां पर दिख रहा है आपको, नीचे तक दिख रहा है सबको, यहां तक नीचे तक, ठीक है, देखो अब लोकल मैक्स हो गया है r इक्वल टू रूट 6 रूट s अपॉन में 6 पाई। किसी को इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना है तो वो रफ में देख ले, मैं रफ में दिखा रहा हूं कि माइनस 6 पाई था इनटू में रूट s को ले सकता हूं, रूट s अपॉन में रूट 6 इनटू में रूट पाई, तो रूट 6 से 6 कितने बार में जाएगा, रूट 6 बार में, रूट पाई से पाई कितने बार में जाएगा, रूट पाई में, सब कुछ रूट में है तो क्या आ जाएगा माइनस का 6 पाई s, यानी s 6 और पाई, ये भी नेगेटिव है। सॉल्व करने में आपको करने का मन तो कर देना वरना जरूरत नहीं थी, ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है भाई, यहाँ तक करना। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो आप देख लोगे देयर फोर, ठीक है, आप देख लोगे देयर फोर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट किस पे भाई, r इक्वल टू रूट s अपॉन में 6 पाई। काम की बात तो अब स्टार्ट हो गई है, आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि मैक्सिमम होते टाइम पे हाइट को क्या लाना है इक्वल टू डायमीटर, क्या प्रूफ करना है, हाइट इक्वल टू डायमीटर। एक बात का ध्यान दो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ प्रूफ करने के लिए, मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताया था, आप सारे क्वेश्चन प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा प्रूफिंग करनी हो तो मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आपके सारे क्वेश्चन प्रूफ हो जाएंगे, जो मैंने से इसको बिल्कुल याद रखना, जब भी आप सब कुछ कर लो और एक्स्ट्रा प्रूफ करना हो कुछ भी तो उस टाइम पे हमेशा कंसेंट्रेशन गिवन की तरफ किया करो, जहाँ पे डाटा गिवन था या जहाँ पे डाटा कॉन्स्टेंट था वहाँ किया करो, वहाँ से हो सके तो आर की वैल्यू, वहाँ से हो सके तो जो कॉन्स्टेंट लेटर है वहां से हो सके तो जो कांस्टेंट लेटर है ना, जैसे यहाँ पे एस था, उसको रिमूव करने की सोचो, उसकी वैल्यू पुट करके उसको रिमूव करने की सोचो, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। देखो मैंने आपको क्या बताया, जब भी कुछ एक्स्ट्रा प्रूफ करना हो उसके लिए बेस्ट ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको, जो भी कुछ गिवन है उस गिवन में जो कांस्टेंट लेटर है, जैसे कि यहाँ पे एस फॉर सरफेस एरिया कांस्टेंट लेटर है, तो इस s की वैल्यू को पुट करने का सोचो, जिससे पूरा पूरा क्वेश्चन अपने आप प्रूफ हो जाएगा।
तो मैंने आपको बताया कांस्टेंट डेटा को रिमूव करने की सोचो। तो कांस्टेंट डेटा की वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है, आप देखो एक बार, s माइनस सिक्स पाई आर स्क्वायर है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिक्स पाई आर स्क्वायर s इन टर्म्स ऑफ r, ठीक है। तो आते हैं इससे पूरा क्वेश्चन h और r के टर्म में मिल जाएगा। तो प्रोफिट देखो ध्यान से क्या होगा, प्रोफिट के लिए हम इसे काटो ले लेते हैं, h इक्वल टू कितना है, s माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, s की वैल्यू थी 6 पाई आर स्क्वायर, लिख लो छह में से दो गया तो क्या होगा, चार पाई आर स्क्वायर बॉल में टू पाई आर, टू से टू, टू आर में पाई से पाई, आर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच इक्वल टू कितना आ गया, टू आर, रेडियस का ट्वाइस आप जानते हो क्या होता है, डायमीटर, यही होता है और यही प्रोफिट करना था। तो आप लिख दोगे हैंस देयरफॉर हाइट, ठीक है, क्या लिख दोगे, हाइट इक्वल टू डायमीटर विथ मैक्सिमम एरिया, विथ मैक्स एरिया एट आर इक्वल टू एस अपॉन में सिक्स। ये तो क्वेश्चन में पूछा था, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ऐड करके कि कितना एरिया मैक्सिमम होगा तो क्या करोगे, तो आप आर की वैल्यू निकाल चुके हो, एच की वैल्यू निकाल लोगे और यहाँ पे लाके पुट कर दोगे आर और एच में। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मच इज द एरिया, ठीक है, तो आप घर पे कर लेना, हाउ मच एरिया इन वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम, तो उसके लिए आर स्क्वायर तो मैं निकाल चुका हूँ, उसके लिए आप निकाल लोगे घर पे आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, एस अपॉन में सिक्स पाई, और हाइट निकाल लोगे कहाँ से, यहाँ से हाइट यहाँ से निकाल लेना, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाए, टफ हो जाएगी। निकालने के बाद यहाँ पर लाके पुट कर देना, किसमें पुट कर दोगे, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू में एच में, जैसे करोगे तो मैक्सिमम आपको एरिया मिल जाएगा कि इस कमरे का जो कमरा इस साइज का रहा होगा उसका एरिया कितना हो सकता है। उतारो थैंक्स अभिषेक सर, बट यू आर ऑल्सो, आप इतनी दूर से, काफ़ी दूर से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इसके लिए थैंक्स, धन्यवाद। बट आप भी अच्छे खासे मोटिवेटेड हो और आप मेरे मोटिवेशनल बैंक हो, तो आपके बिना कोई भी ऐसा मोटिवेशन वर्क मैं नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। वो मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, बट फिर भी मैं, आप मेरे सीनियर हो, इसलिए नॉर्मली मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो। बाकी थैंक्स फॉर योर कमेंट। कॉपी हो जाए तो इन्फॉर्म करना।
ओके सक्षम, मुझे लगता है जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो इजी है, मैं उसका पूरा पार्ट तो नहीं करूँगा लेकिन मैं फंक्शन बना के छोड़ देता हूँ। फंक्शन बनाने के बाद उसका फर्दर प्रोसेस आप कर लेना, ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा इससे आगे कंटेंट। आज क्लास लास्ट क्वेश्चन ही से एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं फंक्शन बना के छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, वैसे तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन ने कहा है क्लोज सिलेंडर है ऑफ अ राइट सर्कुलर, मतलब ऊपर से भी ब्लॉक नीचे से भी ब्लॉक। चलो करते हैं इसको आगे, ब्लॉक कर दो पहले तो। आगे बोल रहा है कि गिवन वॉल्यूम, इस बार इसका जस्ट अपोजिट दे रखा है भाई, वॉल्यूम को गिवन कर रहे हैं, गिवन वॉल्यूम है। चलो फिक्स हो गए फिर तो, वॉल्यूम का क्वांटिटी नहीं दिया हुआ इस बार, पिछली बार सरफेस एरिया को एस माना हुआ था, उसकी वैल्यू नहीं थी। इस बार वॉल्यूम को बी माना था, इससे पहले बी की वैल्यू देती है 100, जो कि कॉन्स्टेंट है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे उसने बोला है कि डायमेंशन फाइंड करो, एक तो डायमेंशन पता लगाने, चलो वो तो पता लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उसने बोला है कि सरफेस एरिया को मिनिमाइज करो, सरफेस मतलब टोटल सरफेस एरिया, कुछ ना बोले तो टोटल सरफेस एरिया उसको मिनिमाइज करो, ठीक है। टारगेट बहुत क्लियर, आपको क्वेश्चन को बिल्कुल फर्दर प्रोसेस पे करना है, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। आप लिख लोगे लेंथ, हाइट एंड रेडियस इज एच एन आर, आपको पता है रेस्पेक्टिवली, वो आप लिख लोगे यूनिट्स या सेंटीमीटर को सेंटीमीटर। चलो आगे करते हैं, अब आपको थोड़ी सी जगह छोड़नी है क्योंकि डाटा वगैरह जो दिया होगा उसी से क्लियर होगा। तो अब आपको आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है सरफेस एरिया। आप लिखोगे एस इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो हो जाएगा 2πRh प्लस क्या हो जाएगा 2πr2, ठीक है, क्योंकि क्लोज है वैसे ऊपर तो कहीं से है नहीं, इसलिए। अब आप यहाँ पे आप एक बार नोटिस करो, आपको नहीं लगता ये टू वेरिएबल में है, ये जो सरफेस एरिया है अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एच वेरिएबल में भी और आर वेरिएबल में भी है। मैंने कहा था ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात होती है। तो एक काम करते हैं, आप सबसे पहले डाटा को यूज करते हैं, वी फोर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये गिवन है, कितना गिवन है, वॉल्यूम कितना है 100, 100 वॉल्यूम के बाद वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर इनटू एच, किसकी वैल्यू निकालना बेनिफिशियल रहेगी आप डिसाइड करोगे। मुझे लगता है एच की वैल्यू निकालना ज्यादा अच्छा है क्योंकि आर की वैल्यू निकालना तो रुक आ जाएगा, इसलिए बेटर है 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर, ये कर लो आराम से, एच की वैल्यू आ गई बिना किसी रुक के, ठीक है। इस आर एच को रिप्लेस करो, पूरा का पूरा क्वेश्चन आर में आ जाएगा, ऐसा 2πr, h की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन में कितना पाई आर स्क्वायर प्लस का कितना 2πr स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो sr की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 इंटू कितना 200 अपॉन में r, ये आ जाएगी। आप चाहो तो 200 अपॉन r को ऐसे ले सकते हो r की पावर -1, ठीक है, डेरिवेटिव थोड़ा ध्यान रखना, 1 अपॉन आर को लिख सकते हैं आर की पावर -1 और 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन आर स्क्वायर, थोड़ा याद रखना डायरेक्ट समझो, प्लस 2πr2। अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ से आपका पूरा फंक्शन आर में कन्वर्ट है, बिल्कुल है, यहाँ से आपका काम है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, एक लाइन में कर देता हूँ एस डैश आर, ये हो जाएगा -200 अपॉन में आर स्क्वायर, कैसे आ रहा है आर को ऊपर लेके गया तो 200 को तो भूल जाओ, ये हो जाएगा पावर, पावर में से कितना लेस, एक लेस तो -1 -2 और डेरिवेटिव विदाउट पावर आर को तो 1, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन में आर नीचे आगे पावर 2 बना देगा -1 अपॉन आर स्क्वायर, 200 से मल्टीप्लाई होगा तो -200 हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर, ये लिखा मैंने।
इसके बाद 2 बाई कॉन्स्टेंट है बाहर, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2R, ठीक है। और इसके अलावा एस डैश आर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 200 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का 2 4πr। यहाँ से मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, एक तो 0 पुट करके आर निकाल लेना, आर निकालने के बाद हो सके तो एच भी निकाल लेना, काम आएगा, डायमेंशन फाइंड करने की बात कर रहा है इसलिए। फिर डबल डेरिवेटिव करते हुए उस आर की वैल्यू को वहां रखना, आपका डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए टेस्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा तो आप समझ जाओगे कि ये मिनिमम है क्योंकि लोकल मैक्स हो जाएगा, ये आपका कुछ इंप्रूव हो जाएगा, डायमेंशन आना है और सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। कर लोगे इसके बाद होमवर्क, मैं आपके जो लेवल के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ, होमवर्क करके ले आना, आपसे जो ईजी हो जाएगी होमवर्क लिखो पे आज का। एक तो आपके पास जो PDF है वो ट्राई करना है, ठीक है, प्लस क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 रहने देना भैया, 23 आपसे नहीं होगा, एग्जाम्पल में होता है एग्जाम्पल नंबर आ जाओ 39 कर लेना 40 NCERT से। बस अभी इतना ही, ठीक है, आज का होमवर्क है बेसिक्स, एक तो ये कर लेना प्लस 3 क्वेश्चन दिए हैं NCERT से, प्लस जो आपके पास PDF है ना उस PDF से क्वेश्चन कर लेना, जो आपके पास PDF पड़ी है उस PDF से आपको मोस्टली क्वेश्चन करने हैं। मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है, खत्म हो चुके हैं, आपकी तरफ से क्वेश्चन करने बाकी रह गए हैं, जो जो क्वेश्चन नहीं होगा मैं बता दे करूंगा, मुश्किल से एक दो क्लास का पार्ट रह गया, ठीक है, ये आपको करना है। चलो थैंक यू, कुछ क्वेश्चन और बताओ।